एक बड़ी और दुखद खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के धार जिले से। मध्य प्रदेश के धार जिले के कलघाट में बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस नर्मदा नदी में गिर गई। हादसा सुबह 9:45 बजे का बताया जा रहा है। बस में महिला और बच्चों समेत 50 से ज्यादा लोग सवार थे। अब तक 13 लोगों के शव नदी से निकाले जा चुके हैं, जबकि 15 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं 25 से 27 लोग लापता हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस को क्रेन के जरिए निकाला जा चुका है। हादसा रॉन्ग साइड से आ रहे एक वाहन को बचाने के दौरान हुआ है। बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे 25 फीट नीचे नदी में जा गिरी। हादसा कलघाट के पुराने पुल पर हुआ है। जानकारी के अनुसार इंदौर से महाराष्ट्र की ओर जा रही यात्री बस कलघाट संजय सेतु पुल पर संतुलन बिगड़ने के कारण 25 फुट नीचे नदी में जा गिरी। मौके पर धमदोत पुलिस व खलटका पुलिस मोर्चा संभाले हुए, बचाव के लिए गोता को लगाए हुए। NDRF की टीम भी राहत बचाव के लिए मौके पर पहुंची है। इंदौर कमिश्नर पवन कुमार शर्मा ने धार और खरगोन के कलेक्टर्स को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी प्रेम कुमार दोगाया की खास रिपोर्ट। अरे नीचे तो जाओ यार।